हेलो फ्रेंड्स, सीमा स्मार्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। आइए आज बनाते हैं हम लोग बेसन आलू की कचौरी। एक कप मैदा, आधा कप गेहूं का आटा, वन टेबलस्पून घी या फिर क्लेरिफाइड बटर, नमक स्वाद अनुसार, आधा कप बेसन, तीन मीडियम साइज के आलू बॉईल किए हुए जिन्हें हमने मैश कर लिया है, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून जीरा, 1/4 टेबल स्पून हींग, नमक स्वाद अनुसार और कुछ खड़े मसाले जिसमें 4-5 काली मिर्च है, 2-3 लौंग है और दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये आप पसंद हो तो ही डालें। हाफ टेबल स्पून खड़ा धनिया, हाफ टेबल स्पून सौंफ, इमली की खट्टी मीठी चटनी 1 टेबल स्पून, तेल तलने के लिए। सबसे पहले हम आटा तैयार करेंगे। मैदा और गेहूं का आटा दोनों मिला लेंगे, उसमें घी डाल देंगे और अच्छे से उसकी मसाज करेंगे। इसके कारण कचौरी बहुत खस्ता बनती है। थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे इसमें। जितनी अच्छी इसकी मसाज की जाएगी उतनी कचौरियां खस्ता बनती है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा तैयार करना है हमें। आटा बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत नरम भी नहीं होना चाहिए। आटा तैयार हो जाने के बाद उसे 20-25 मिनट हम ढक के रख देंगे, अच्छे से सेट हो जाएगा। लीजिए, आटा तैयार होते आया है। घी डालने के कारण ये बहुत खस्ता बनती है। अब एक पैन रखेंगे गर्म होने के लिए। उसमें धनिया और सौंफ दोनों डाल के उनको भूंज लेंगे। इसे हमने थोड़ा सा कूटना है, मीन्स दो दो टुकड़े हो जाने चाहिए। बहुत ज्यादा बारीक पेस्ट नहीं तैयार करना है इसका। बल्कि इसे सूखा ही भूंजना है और फिर चकले पे या प्लेटफॉर्म पे डाल के इसे बेलन से या फिर किसी चीज से दो दो टुकड़े कर लीजिए। बहुत ज्यादा इसको अगर हम पीस लेंगे या फिर तोड़ लेंगे तो उसका टेस्ट चला जाएगा। और अब जो और खड़े मसाले लिए थे, जीरा, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी, इन्हें भूज लेंगे और इन्हें हमें बिल्कुल बारीक कूटना है। ये थोड़ा सा है इसलिए इसको मिक्सर में नहीं कर सकते हैं, हाथ से ही करेंगे। 1 टेबल स्पून पैन में तेल डालिए, उसमें हींग, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर दोनों डाल दीजिए। अब बेसन भी इसमें मिला देंगे और अच्छे से भूंज देंगे। बेसन को अच्छे से भूंजना है, कच्चा नहीं रहना चाहिए बेसन, इसे लगातार चलाना पड़ेगा नहीं तो बेसन जलने लगेगा। जब 50% बेसन भुन जाए तब उसमें हम आलू डालेंगे। मैश किए हुए आलू हैं, मैश किए हुए आलू हमने डाल दिए हैं और इसमें सभी खड़े मसाले मिला दिए। आलू डाल के मिलाने के बाद में इसमें हमने इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी है, इसे कैसे बनाना है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है और स्क्रीन पे भी है, और अच्छे से चला लेंगे। हमने इसमें पहले दो आलू डाले थे, अभी एक आलू और ऐड कर दिया है।
कचौरी की स्टफिंग तैयार होते आई है। इसे एक बर्तन में निकाल के ठंडा होने देंगे। चाहे तो आप इसमें हरा धनिया भी मिला सकते हैं और 2 से 3 मिनट में पक जाएगा। आटा जिसे कि हमने पहले ही सान के रखा था, लगभग 30 मिनट हो गए हैं। अब उसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे या फिर पेड़े बनाएंगे। जितनी बड़ी आपको कचौरी चाहिए उतना बड़ा बनाना है। फिर उसे कचौरी का शेप देंगे। आप बेल के भी दे सकते हैं, हाथ से भी दे सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे करिए। जिस तरह से आपको इजी जाए उस तरह से बनाइए। फिर स्टफिंग इसमें डालेंगे। स्टफिंग के हमने पहले ही छोटे छोटे पेड़े बना के रख लिए थे और ये ऊपर से अच्छे से बंद होना चाहिए, नहीं तो ये तेल में फूट जाएगी। अच्छे से बंद हो गई है। अब इसे बीच में से ना दबाते हुए साइड साइड से दबाएंगे, बीच में से थोड़ा सा मोटा रहने देंगे। देखिए हाथ से भी कर सकते हैं आप ऐसे ही, बेलने से ज्यादा हाथ से अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छी बनती है कचौरिया। ऊपर से चिपकाते जाइए और सभी कचौरियां तैयार करके रख लीजिए। देखिए इसे इसी तरह से दबाना है, साइड साइड से कचौरी का शेप आना चाहिए। अब हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया है और बहुत गर्म तेल नहीं किया है, लो मीडियम फ्लेम है। लो मीडियम फ्लेम पे ही हमें कचौरियों को तलना है। गर्म हो जाएंगी तो कचौरियाँ खस्ता नहीं रहेंगी और टेस्ट भी कम हो जाएगा, इसलिए इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही तलिए। 2-3 जितनी भी आपकी कढ़ाई में आ सकती है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाइए। इसके ऊपर ऐसे तेल डालते हैं तो कचौरियाँ अच्छे से फूल जाती हैं। दोनों तरफ से हमें इसको सेकना है। जब ये थोड़ी सी रेडिश हो जाए तो निकाल लीजिए। बाद में ये गर्म होने के कारण और ज्यादा लाल हो जाती है। इसी तरह से सभी कचौरियों को तल लीजिए और निकाल लीजिए। दोनों साइड से फ्राई करना है हमें। ये आलू बेसन की कचौरी है जो कि बहुत टेस्टी लगती है, पर इसे हम एक ही दिन में खत्म करना पड़ता है, ज्यादा दिन इसे रख नहीं सकते। आइए सर्व करते हैं पुदीने की चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नई रेसिपी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।